इंडियन हॉकी टीम ने कमाल कर दिया, कप्तान हरमन की टीम ने बवाल कर दिया, गोलकीपर प्रिया श्रीजेश ने धमाल कर दिया। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे प्रिया श्रीजेश एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम की दीवार साबित हुए हैं और 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद भारत ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तारीफ करनी होगी भारतीय डिफेंस की, तारीफ करनी होगी इस डिफेंस के अगुवा 36 साल के प्रिया श्रीजेश की, जिनकी अगुवाई में ब्रिटेन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, शानदार डिफेंस किया गया और लगातार 28 बार भारतीय गोल पोस्ट पर हमला होने के बावजूद पेट ब्रिटेन को एक भी कामयाबी नहीं मिली। निर्धारित 90 मिनट तक एक एक से स्कोर बराबर रहा और मुकाबला शूटआउट में गया। शूटआउट में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल ने गोल दागे, जबकि इंग्लैंड के लिए जेम्स अल्बेरी और जॉक वलांसी गोल कर सके। कोरोन विलियमसन का निशाना चूका और फिलिप रोपर का शॉट श्रीजेश ने बचाया। अब एक बार फिर से भारतीय टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लगातार दूसरी बार ओलंपिक के हॉकी इवेंट में इंडियन मेंस टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। पिछली बार यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत ने ब्रिटेन को ही हराकर अंतिम चार में जगह बनाई थी और एक बार फिर से श्रीजेश टोक्यो में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी के खिलाफ भी भारत की दीवार साबित हुए थे और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अब तक के सबसे कठिन मुकाबले में भी अपेक्षाओं पर खरे उतर कर दिखाया। निर्धारित समय में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 22वें और ली मॉर्टन ने 27वें मिनट पे गोल दागा। रोहिदास को रेड कार्ड मिलने के बाद ब्रिटेन ने फायदा उठाते हुए 19वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर बनाया लेकिन गोल नहीं कर सके। भारत को जवाबी हमले में 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे हरमनप्रीत सिंह ने गोल में बदला। ये पेरिस ओलंपिक में उनका 7वां गोल था। ब्रिटेन टीम गेंद पर नियंत्रण में भारत पर लगातार भारी रही और 25वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर उसे वेरिएशन आजमाया लेकिन उसका खाता नहीं खुल सका। अब तक भारत शानदार डिफेंस कर रहा था और इस बार भारत की डिफेंस की कलई खुल गई क्योंकि 27वें मिनट में सर्कल पर गोल के सामने मिली गेंद को मॉर्टन ने गोल के भीतर डाला। मैच का पहला गोल भारत की ओर से आया था जब 22वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर में सफलता हासिल की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने रेड कार्ड का बखूबी जवाब दिया मगर भारत की ये लीड ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही क्योंकि 27वें मिनट में ग्रेट ब्रिटेन ने बराबरी कर ली। लगातार बन रहे दबाव के बीच भारतीय डिफेंस इस बार बिखर गया। एक खिलाड़ी की कमी साफ तौर पर झलक रही थी। 36वें मिनट में ग्रेट ब्रिटेन को लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले। इसके बाद 38वें मिनट में भी पेनल्टी कॉर्नर मिला। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहने के बाद आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में फैसला हुआ। ब्रिटेन ने 28 बार भारतीय गोल पर हमला दागा जैसा मैंने आपको पहले बताया और महज एक बार उसे कामयाबी मिली। इस तरह भारतीय हॉकी टीम अपने एक और ओलंपिक मेडल से सिर्फ एक जीत दूर है। इस तरह भारतीय हॉकी टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, सिर्फ एक जीत और फिर मेडल के और नजदीक पहुंच जाएगी। इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से मैच का हीरो कौन था, प्रिया श्रीजेश या कप्तान हरमनप्रीत सिंह? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।